सो हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? माई सेल्फ जितिन जैन फ्रॉम फड़ाकू डॉट कॉम। तो गाइस, हमने आपसे पीछे वाली वीडियो में जो भी पीछे सुपर 100 से रिगार्डिंग वीडियो बनी थी, उसके अंदर हमने डिस्कस किया था कि सुपर 100 क्या होता है और इससे हमें क्या अपॉर्चुनिटी मिलती है, सारा सब कुछ सुपर 100 के बारे में, और इसके ज़रिए हम क्या प्राप्त कर सकते हैं, सुपर 100 एग्ज़ाम कौन बच्चे दे सकते हैं, कौन बच्चे नहीं दे सकते हैं, और इसमें हम सिलेबस के रिगार्डिंग भी डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक हो गया हमारा कि इसमें प्राइवेट स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल का कोई इशू है या फिर नहीं है, या फिर इसका सिलेबस क्या है, इसके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर थे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कहाँ है, ताकि आप अब सुपर 100 2023 के लिए बिल्कुल एकदम अच्छी टिप टॉप प्रिपरेशन कर सको। तो लेट्स स्टार्ट वीडियो। तो गाइज, फर्स्ट टॉपिक है हमारा कि सुपर 100 का एग्ज़ाम कौन बच्चे दे सकते हैं, कौन बच्चे नहीं दे सकते हैं। पिछले वाले ईयर की मैं आपको बात बताता हूँ कि पिछले वाले ईयर क्या हुआ कि प्राइवेट स्कूल वालों के बच्चों ने आप एग्ज़ाम दिया था लेकिन उनका एडमिशन नहीं हुआ था। यानी कि ये स्कीम सिर्फ और सिर्फ जो अब 10th क्लास में गवर्नमेंट स्कूल में है स्टूडेंट, अब आप एट अ प्रेजेंट 10th क्लास में गवर्नमेंट स्कूल में हो, तो आपका सुपर 100 में आप जो एप्लीकेशन फॉर्म के लिए एलिजिबल हो जाते हो। यानी कि जो बच्चे अब फिलहाल प्रेजेंट के अंदर 10th क्लास में हैं वो सुपर 100 का फॉर्म है वो फिल कर सकते हैं। जो बच्चे अब प्राइवेट स्कूल में हैं, फॉर्म फिल कर सकते हो आप प्राइवेट स्कूल के लिए, लेकिन आपका वहाँ पे आगे एडमिशन नहीं होगा। अगर आप खुद को दहाँकना चाहते कि हम इतने हाई लेवल पे हैं या फिर हम होशियार हैं या फिर हम इंटेलिजेंट हैं, अगर आप खुद को साबित करना चाहते हो तो आप वो एग्ज़ाम दे सकते हो सुपर 100 का। ठीक है, तो ये स्कूल के रिगार्डिंग हो गया कि कौन से बच्चे दे सकते हैं, कौन से बच्चे नहीं दे सकते। उसके बाद में सिलेबस, मेन जो डाउट आ रहे थे पीछे वाली वीडियो में कि भैया सुपर 100 का सिलेबस बता दीजिए, इसका सिलेबस क्या है। तो लेट्स मैं आपको बताता हूँ सुपर 100 का सिलेबस क्या है। पीछे की हम बात कर लेते हैं, जब से सुपर 100 स्कीम चली है, सुपर 100 स्कीम का उदय होता है 2018 से, 2018, 19, 20, 21 और 22, यानी कि अब तक लगभग पूरे 5 पेपर हो चुके हैं सुपर 100 के। ठीक है, जिसके अंदर 2018, 19, 20, 21 पिछले 4 सालों में आपका जो एग्ज़ाम का पैटर्न रहा है वो पैटर्न रहा है कि आपकी साइंस यानी कि केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स और मैथमेटिक्स प्लस में आईक्यू, ये सारा इंक्लूड था आपके पीछे 2018, 19, 20, 21 के हिसाब से। ठीक है, तो उस हिसाब से देखिए, 2018 में आपका फिजिक्स का अलग पोर्शन, साइंस का अलग पोर्शन यानी केमिस्ट्री का अलग पोर्शन और बायोलॉजी का अलग पोर्शन और मैथ का अलग और रीजनिंग का अलग, और जो बच्चे मेडिकल में जाना चाहते थे वो सिर्फ साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री और जो रीजनिंग है वो करनी होती थी, मैथ उनको नहीं करना होता था। ठीक है, लेकिन जो बच्चे मैथ में थे उन्हें बायोलॉजी नहीं करनी होती थी, बाकी सारे करने होते थे। लेकिन पिछले ईयर क्या हुआ, इन्होंने सिलेबस में थोड़ा सा चेंज कर दिया, थोड़ा सा क्या, काफ़ी चेंज कर दिया इन्होंने। वो चेंज क्या है वो देखिए कि इन्होंने ओनली मैथ और रीजनिंग दे दी। पिछले वाले ईयर के क्वेश्चन पेपर में आपको सिर्फ और सिर्फ मैथ और रीजनिंग मिली है, जो कि चाहे वो मेडिकल करना चाहते हो उन स्टूडेंट के लिए, चाहे वो नॉन मेडिकल में जाना चाहते हो या फिर IIT या फिर नीट, जो भी आप नीट और JEE के जो भी एस्पिरेंट्स है सबको मैथ और रीजनिंग करना कंपलसरी था, सिर्फ और सिर्फ आपकी मैथ और रीजनिंग आई थी। ठीक है, तो ये था पीछे का शेड्यूल, और पीछे के आपको अगर आपको क्वेश्चन पेपर चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे। अगर आप सेपरेट वीडियो चाहते हो कि हमारे लिए एक सेपरेट वीडियो डाल दीजिए जिसके जरिए हम सारे क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं, तो वो आपको सेपरेट वीडियो ही जल्दी मिल जाएगी, अगर आप इस वीडियो के नीचे कमेंट में कहते हो कि हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहिए। ठीक है, तो सुनिए, तो अब की बार क्या चांसेस है कि सुपर 100 2023 का क्या सिलेबस रहेगा वो सुनिए, कि आपका साइंस और मैथ दोनों के दोनों आने के चांसेस है, क्योंकि पिछली बार बहुत बहुत चक्कर पड़ा था, जो बच्चे मेडिकल में यानी कि नीट में जाना चाहते थे उन बच्चों को मैथ और रीजनिंग में काफ़ी दिक्कत आई थी। लेकिन इस बार विकल्पा इंस्टीट्यूट कह रही है कि हम इस बार सिलेबस चेंज करेंगे, तो सिलेबस में क्या रहेगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और जो भी पुराने पैटर्न से आपका एग्जाम आता था वही पुराना पैटर्न दोहराया जाएगा। ठीक है, और
ये आपका 2023 का सिलेबस था। अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहिए तो वो उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हाँ गाइस, आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया रखा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पर नहीं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही साथ मैं एक आपको और जानकारी देता हूँ, अगर आप 10th क्लास बोर्ड के अंदर हो सभी छात्र और वह छात्राएं, तो आपके लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी, अगर आपको बेस्ट एनसीईआरटी टाइप्स नोट्स चाहिए, बेस्ट नोट्स एनसीईआरटी टाइप यानी कि एनसीईआरटी का भी एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइप है, अगर आपको वो आपको नोट्स चाहिए तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम में ये बुक अवेलेबल है, आप वो बुक परचेज कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको बुक परचेजिंग में कोई भी दिक्कत आती हो तो व्हाट्सएप ग्रुप में जाके हमसे सीधा आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, अदरवाइज आपको स्क्रीन पे नंबर शो हो रहे हैं, आप इस पे मैसेज कर सकते हो। ठीक है, तो सिलेबस के रिगार्डिंग बता दिया, कौन बच्चे एडमिशन ले सकते हैं कौन नहीं ले सकते हैं, और हम इसकी जो क्लासेज है वो आपकी 6 जनवरी के बाद बाद करवाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मैं यही बताना चाहता था कि आपका सिलेबस क्या रहेगा और आपका सारा, तो जल्दी हम एक और सिलेबस रिगार्डिंग जो भी बिल्कुल एकदम 100% आपका जो सिलेबस रहेगा उससे रिलेटेड एक वीडियो और डालेंगे। तो आप इसलिए आप इस चैनल को लाइक और वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, जो भी बच्चे सुपर 100 2023 में जाना चाहते हैं। ठीक है, तो गाइज बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद जय भारत। जाने से पहले गाइज, आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, साथ ही साथ अभी तक आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुए हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, व्हाट्सएप टेलीग्राम इंस्टाग्राम सभी पे आप ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, ओके गाइज, बाय, स्टे ट्यून्ड, स्टे ब्लेस्ड।